दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव का मुद्दा गरमाया हुआ है। चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। आपने स्टैंडिंग कमेटी के आखिरी चुनाव को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अब कोर्ट ने इस मामले में नाराजगी जाहिर की है, साथ ही LG को फटकार लगाई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में उपराज्यपाल के दखल पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। इसके साथ ही कोर्ट ने LG को फटकार लगाते हुए उनसे सवाल पूछे हैं। बता दें कि हाल ही में दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हुए। इस दौरान आप और बीजेपी में टकराव देखने को मिला। इस चुनाव में आप और कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। आपने आरोप लगाया कि बीजेपी ने गलत तरीके से दखलअंदाजी की, जिसके बाद आपने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और आज कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने उपराज्यपाल के दखल पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने उपराज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी कर पूछा कि उन्होंने किस अधिकार का इस्तेमाल कर चुनाव में दखल दिया। जस्टिस PS नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच ने LG ऑफिस से कहा कि वो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन चुनाव में दखल ना दे। कोर्ट ने कहा कि मामले में राजनीति हो रही है, स्थायी समिति सदस्य चुनाव में मेयर की भूमिका होती है, ये सदन के अंदर का मामला है, इसे LG नियंत्रित नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि अगर LG स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन चुनाव में दखल देंगे तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि MCD मेयर की गैर मौजूदगी में LG को स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराने की जल्दी क्यों थी? अगर LG इस तरह दखल देते रहेंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा? DB लाइव की रिपोर्ट।